हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है वेवल प्लान इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था क्या था सी आर फार्मूला और क्यों सी आर फार्मूला फेल हो गया था अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि ये टॉपिक कंटिन्यूटी में आपको समझ में आ सके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जान लें कि अब हमने अपने चैनल पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जहाँ आप हिस्ट्री का कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रेफर कर सकते हैं और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या था विविल प्लान विवल प्लान नाइनटीन में आया था और इसे प्रजेंट किया गया था एट शिमला कॉन्फ्रेंस बाई लॉर्ड वेवल जो कि वॉइस ऑफ इंडिया थे एट दैट टाइम लॉर्ड वेवल इंडिया के वाइस अक्टूबर 1943 में बने थे और उनके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे सबसे पहला चैलेंज था कि उस समय देश में चल रहा था क्विट इंडिया मोमेंट सेकेंड चैलेंज जिससे लॉर्ड वेवल को डील करना था वॉज द डेड लॉक बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग थर्ड चैलेंज था इंडियन नेशनल आर्मी जो जापनीज की हेल्प से इंडिया पर अटैक करने वाली थी इसके अलावा पाकिस्तान की क्रिएशन को लेकर भी एक चैलेंज उनके सामने खड़ा था और बंगाल में भी फैमिन आया हुआ था ऐसे सिनेरियो में लॉर्ड वेवल ने 1945 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी एट शिमला जहां पर डिस्कस किया जाना था वेवल प्लान आइए पहले जानते हैं कि लॉर्ड वेवल ने वेवल प्लान में क्या प्रपोज़ किया था वेवल प्लान में बोला गया था कि वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिफ़ॉर्म किया जाएगा और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ अब रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चौदह मेंबर होंगे जिसमें हिंदू और मुस्लिम को इक्वली रिप्रेजेंट किया जाएगा ये भी कहा गया था कि ये रिफॉर्म्ड काउंसिल काम करेगी एज एन इंटीरियम गवर्नमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ 1935 एक्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन और दिया गया था कि गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर तो रिटेन की गई थी लेकिन गवर्नर जनरल इस वीटो पावर को मिनिस्ट्रियल एडवाइस पर ही रेयरली यूज़ करने वाले थे इस प्लान में कहा गया था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक जॉइंट लिस्ट देंगी वॉयस को फॉर नॉमिनेशन टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शेड्यूल कास्ट या डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेटली रिप्रेजेंट किया जाना था आइए अब जानते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस में 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में वेवल प्लान के प्रोविजंस को डिस्कस किया जाना था इस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग को इस कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना और अल्टीमेटली शिमला कॉन्फ्रेंस भी डेडलॉक को ब्रेक नहीं कर पाई और फेल हो गई सबसे बड़ा फेलियर का कारण बना सिलेक्शन ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन्ना का कहना था कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सिर्फ मुस्लिम लीग के ही होने चाहिए ये बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राजी नहीं थी खास करके कांग्रेस को क्योंकि कांग्रेस में भी कई सारे मुस्लिम नेता थे इस कारण से ये मान लेना कि मुस्लिम लीग ही सिर्फ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं था इस प्लान के फेल होने का दूसरा कारण था कि मुस्लिम लीग ने यहाँ पर एक वीटो पावर डिमांड की थी मुस्लिम लीग का कहना था कि कहीं पे भी अगर वोट्स डिवाइडेड हों और मुस्लिम मेंबर्स उस प्रोविज़न का ऑब्जेक्शन में हों तब ऐसे प्रोविज़न को ऐड किए जाने से पहले टू थर्ड मेजॉरिटी की ज़रूरत होनी चाहिए लॉर्ड वेवल मुस्लिम लीग की वीटो वाली डिमांड के लिए भी राजी हो गए थे लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको मानने में तैयार नहीं थी और अल्टीमेटली एक डेडलॉक के चलते ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई चाहे वेवल प्लान फेल हो गया हो लेकिन इसने इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे कुछ मेजर चेंजेस कर दिए आइए जानते हैं क्या थे वो मेजर चेंजेस शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान की बदौलत जिन्ना का स्टेटस गांधी जी के बराबर कर दिया गया था इस प्लान ने यह भी इस्टैब्लिश कर दिया था कि मुस्लिम्स का सोल डिसाइडर मुस्लिम लीग ही रहेगा और इसका थर्ड इम्पैक्ट था कि मुस्लिम लीग को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और अब वो एक ही कदम दूर थे अपना नेशन स्टैब्लिश करने से तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग वेवल प्लान अब आप इस लेक्चर के सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े, जहाँ की हम फ्री पी और फ्री नोट्स देते हैं थे। थैंक यू